अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। अस्पताल में भर्ती हैं 41 मरीज, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्वालियर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत से प्रदेश जूझ रहा है, ऐसे में ग्वालियर के वेदांत अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। अस्पताल में अभी भी 41 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है अस्पताल। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्वालियर से है। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है अस्पताल के अंदर, ना तो अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा है। हम रात भर स्केप ऑक्सीजन पे लगे रहे लाइन में, वहां से एक भी सिलेंडर नहीं दिया गया, मात्र 5 सिलेंडर नाइट में दिए गए। 41 मरीज हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं और बायपेप पे हैं। हॉस्पिटल का नाम क्या है? प्रशासन का मोबाइल बंद है। कोई नहीं, ग्वालियर में अब निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। देर रात ऑक्सीजन की कमी से जयारोग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में 2 लोगों की मौत हो गई है। आनन फानन में डॉक्टर्स, प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रगुम सिंह तोमर, विधायक प्रवीण पाठक और विधायक सतीश सिकरवार भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान मंत्री तोमर ने इलाज और सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को निर्देश जारी कर दिए। विधायकों ने मरीजों और उनके परिजनों से फोन पर बातचीत की है, जल्द स्वस्थ होने का भरोसा दिलाया है। साथ ही मंत्री तोमर ने आईसीयू से मरीजों को शिफ्टिंग की व्यवस्था का भी जायजा लिया है। बड़ी और अहम जानकारी ग्वालियर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसको देखते हुए अब प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है। अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 मरीजों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे थे, उस प्लांट को जाके देखा है और सब लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी किसी भी स्थिति में नहीं आनी चाहिए, ये काम हम अच्छे से करते हैं। ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी है, तमाम हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के परिजन चिंतित हैं। ग्वालियर में परदी हॉस्पिटल हो, वेदांत हॉस्पिटल हो, महेश्वरी हॉस्पिटल हो या शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, 70-72 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन सभी जगह मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी।